क्लास 11 के लिए सिविक्स में आज का लेसन है भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसे संघ की कार्यपालिका शक्ति प्राप्त होगी। इस शक्ति का प्रयोग वह स्वयं करेगा अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करेगा। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहे उसमें निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। तीसरा, वो लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। चौथा, वो भारत सरकार अथवा किसी भी राज्य के किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से इसलिए नहीं होता है क्योंकि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, न कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। वरना भारत के राष्ट्रपति को भी वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान समझा जाएगा, जिस प्रकार अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति को समझा जाता है।